अगर प्रधान की फैक्ट्री पे तूने आंख उठाई तो वहीं आकर जिंदा गाड़ दूंगी। ना मेरी बात समझ में नहीं आती के हा? अरे जो बोला जाए वो किया करो। परेशान होने वाली बात है, हमें ये मालूम करना है कि ये शख्स कौन है जिसने हम सब पर इतना बड़ा उपकार किया है। तुम जा सकते हो, और हाँ अब तुम आना कम कर दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है वो तुम्हारे बस में नहीं, जाओ प्लीज। नखरे भी ठीक नहीं है तेरे, बहुत नखरे करती है तू। आज तुम दूध लेकर आई हो जी? लाली कहाँ है? लाली काम कर रहा है थोड़ा, मैं इधर आई रही थी, मैंने सोचा मैं लिए चलती हूँ। आज तुम्हें दूध लाता देखकर उस समय की याद आ गई जब अलका छोटी हुआ करती थी, तुम इसी तरह दूध लेकर आया करती थी। याद है मन्ने, नंदिनी में मुझे कभी कभी अलका नजर आती। प्रधान की छोरी से हमारी बेटी की तुलना कतई नहीं। अरे ये तुम प्रधान की छोरी क्यों बोलती हो? अरे वो हमारी बहू है, इस घर की बेटी है। क्यों खून खोलाने लग रहे हो मेरा? अरे उसे घर में रहने दे रही हूँ, जो गनीमत है। चलो उसके लिए तो यही अच्छा है। कामनी देव ने काम संभालना शुरू कर दिया है, बहुत काबिल है तेरा बेटा। अच्छी बात है, बस उस प्रधान की छोरी ने घर ला के एक गलती कर दी, वरना मेरा बेटा तो खरा सोना था। सोना सोना था क्या? सोना अब भी है, बहुत काबिल बेटा है हमारा। देखना कितना रोशन करेगा हमारा नाम। रोशन कर दे तो अच्छा है, पर ऐसा कुछ नजर तो ना आता। देखा ना था, और थोड़ी देर के लिए लुगाई चली गई तो कैसे बावला हुआ घूम रहा था। ना इस तरह मुस्कुराने की जरूरत ना है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने हमारे छोरे पे कि पागल हुआ घूम रहा है। वैसे तरीके तो बहुत है जादू दूर करवाने के, पर के करूं, अपने छोरे की जिद और अपने छोरे के लिए मेरे दिल में प्यार मने कुछ करने से रोके। आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आज कांता के घर नहीं गए आप?
नहीं, वो शराब पीकर नहीं आए ना, इसलिए पूछा। टाइम नहीं हुआ अभी शराब पीने का। टाइम? आप पीने के लिए वक्त के मोहताज कब से होने लगे? पीनी हो तो अलमारी में पड़ी है, लेके आती हूँ। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है मेरी। एक कांता की तरह बातें मत किया कर मुझसे। अच्छा चलो, नाराज मत हो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं चाहिए मुझे चाय। तो आपकी पसंद का कुछ बनाती हूँ मैं खाने के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने मना किया ना तुझसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तू मुझे एक बात बता, तू क्यों चाहती है कि कांता उस बच्चे को जन्म दे? क्योंकि वो आपका बच्चा है। पर तेरा तो नहीं है ना? मेरा ना सही, इस खानदान का होने वाला वारिस तो है, पर इस घर का वारिस होने के नाते मैं उस बच्चे को उसका हक जरूर दिलाऊंगी। माता शीतला, चाहता तो मैं यो था कि राम प्रकाश मेरी चौखट पे आके माथा टेके, पर ऐसा हो नहीं रहा। क्या करूं भाई, वो जो सिंगल हैंडेड मैच जीतने की चाह हुए है, ये बड़ी दुखदाई हुए है। क्या करूं माता रानी, तू ही बता। भाई आखिरी ओवर शुरू होने लग रहा, समझ नहीं आ रहा अरे कैसी बॉल फेंकूं, ये वाइड होगी तो वो जान दे भाई वाइड होगी तो एक और बॉल डालने को मिलेगी ना, चांस ले लेता हूं। हाँ धन्यवाद माता रानी आइडिया देने के लिए। अरे कहाँ गया मेरा फोन, पता नहीं बैलेंस भी है कि नहीं उसमें। कितना आया भाई? 50 रुपए है भाई अभी तो। ला भाई। हेलो हेलो भाई राम प्रकाश, इच्छा तो यूं थी कि भाई मेरे होम ग्राउंड पे मैच होवे, पर चलो कोई बात नहीं भाई, वो बताए मामला क्या है, समझा मेरे को और सुन। पूरे 45 हैं रखे मैंने पोटली में, ईबी की भी आ जा और ठा के ले जा। ये चंदेल किस लालच में फंसा रहा है, और ये बात भी सही है कि पैसे चाहे किसी ने भी दिए हो पर लौटाने तो हैं, जाकर ले आता। अरे तो सोच ले भाई, मैंने कब मना किया, कंफर्म कर ले। हैं? अरे एक बात और सुन ले भाई, जी एन मौके पे कामनी देवनी को स्यापा खड़ा कर दिया तो तू एक काम कर, पहले मेरे पास आ और आके साइन कर दे। हाँ भाई साइन कर दे भाई,
मेरे को ना थोड़ा सा वो शक सा होने लग रहा है। मेरे अकेले के साइन करने से क्या होगा, बाकी परिवार के लोगों के भी तो साइन होने चाहिए। तो करा ले भाई, सबसे साइन करा ले, फिर आ जा। भाई मेरे पास तो मेरी माँ है, माता शीतला। देख मैं ऐसा चाहता नहीं था, पर क्या करूं भाई, रिस्क है। ये जो तेरा मामला है ना, इसमें ना मेरे को लग गया है कि पक्का काम होना बहुत जरूरी है। पक्को काम से आपका क्या मतलब है? क्या आपको ये यकीन है कि आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे? अरे ना ना, यो बात ना भाई, पीछे कौन मांग रहा है, पीछे नहीं मांगने लग रहा मैं। पर मैंने यू बता, तू साइन करने आ रहा के नहीं? देखिए चंदेल जी, ऐसे धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि पहले सबसे बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उन्हीं के साइन होंगे। ना ना, यू बात नहीं है, तू करा ले भाई साइन करवा ले, जिससे बात करनी बात कर ले। हैं भाई देख, मामला है रिस्की, और कागज पत्थर वाला जो मामला हो ना, ये पक्का ही होना चाहिए। हाँ ये तो मैं भी समझता हूँ, पहले सबके साइन करवा लूंगा, उसके बाद आपको फोन करूंगा। बहुत बढ़िया भाई, भाई आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू 24/7। जब दिल करे, जिस टाइम भी दिल करे, कॉल मी। है भाई मेरा तो टोल फ्री नंबर है 24/7, टोल फ्री नंबर। अरे चंदेल भाई, आप तो किसी को अपना बुखार भी फ्री में ना दें। अरे भाई बात पकड़ ली तूने तो है। जानते जानते साइन कर दे हैं, और सुन मेरी बात का बुरा तो नहीं लग रहा ना तेरे को? भाई बुरा मत मानी। अच्छा फोन रखता हूँ। और हाँ भाई एक बात और, लास्ट ओवर बचा है बस, तू अपनी फील्डिंग से जा ले और मैं अपना सांस ले लेता हूँ। वाह भाई वाह, नाश्ता। इतनी बार मैंने तुझसे कहा है, जब मैं घर पे होता हूं तो मुझे फोन मत किया कर। लेकिन नहीं, मेरी बात तेरे भेजे में घुसती नहीं। मेरे भेजे की तो बात ही मत करो चौधरी वीरेंद्र सिंह। कल जल्दी चले गए और सुबह तक कोई खबर नहीं। क्या करती मैं, फोन ना करूं तो क्या करूं, दीवारों से टकरा जाओ? बकवास मत कर, जल्दी से बोल बात क्या है, फोन किस लिए किया? इसलिए फोन किया कि क्या डिसाइड किया मियां बीवी ने। किस बारे में? यही कि बच्चा इस दुनिया में लाना है कि नहीं। उसमें सोचना क्या है, गिरा दे उस बच्चे को। नहीं, तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना, तो तुम्हारा बच्चा मैं ले लूंगी, मैं पालूंगी उसे। तू ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा, इस मामले में क्या करना है वो मैं देख लूंगा। अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना, तो तुम्हारा बच्चा मैं ले लूंगी, मैं पालूंगी उसे। मैं इस घर में अपने साथ रखूंगी तुम्हारे बच्चे को,
कुछ मत करना ऐसा। घर में चाहिए? पागल हो गई हो क्या तुम? बच्चा मेरा है, मैं कुछ भी करूं। ऐसे कैसे? बच्चा तो मेरे पति का भी है ना? तो अपने पति को समझाओ। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अगर तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल करेगा तो फोन क्यों किया? देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, एक औरत होने के नाते तुम इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हो। तो मेरा यकीन मानो, तुम्हें ये बच्चा गिराने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। औरत हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने जिंदगी पर, अपने कोख पर किसी और का अधिकार होने दूँ। देखो, ये अधिकार अधिकार ये सब मैं नहीं जानती, तुम क्या बातें कर रही हो। मैं बस तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम इस बच्चे को जन्म दोगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। वाह भाई, क्या फैमिली है। नीरू जी, अगर बच्चे का इतना ही शौक है तो आप कोशिश क्यों नहीं कर ले? वो भी कर लेती, अगर तुम मेरे पति की जिंदगी में नहीं होती तो ऐसा भी हो जाता। तो अपने पति को समझाओ, संभालो उसे, मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर रही हूँ? जिंदगी तो तुमने खराब कर दिया मेरी। लेकिन आज मैं सिर्फ तुमसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। और हाँ, खबरदार, आज के बाद मेरे बच्चे के बारे में जिक्र भी मत करना अपने जुबान से। इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस बच्चे को मत गिराओ। ये क्या बकवास कर रही है तू? क्यों हवा दे रही है उसे? अगर इस बच्चे ने जन्म ले लिया ना तो पूरी हवेली पे कब्जा कर लेगी। वो आपके बच्चे को जान से मारने की बात कर रही है और आपको हवेली की पड़ी? तू ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। इस मामले में क्या करना है वो मैं देख लूंगा। वो कत्ल हुए हमारे एक ही वार से, अभी तो तरकस में तीर है हजार। हाँ सतीश, मैंने और तेरी माँ ने साइन कर दिए हैं, तुम दोनों भी कर दो। लेकिन बाबूजी, मेरे साइन की क्या जरूरत है? अरे तेरे साइन की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। वो कैसे? वो इसलिए कि तू इस घर की सबसे पहली वारिस है, मेरे बेटे के साथ, जो इसका वो तेरा। अगर तेरे साइन नहीं होंगे तो फिर किसी के साइन करने की कोई जरूरत ही नहीं। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। मैं मानती हूँ जो इनका है वो मेरा भी है, लेकिन जो इनका रहेगा ही नहीं उस पे मेरा क्या अधिकार? गायत्री, अब अधिकार की बात रहने दो और साइन कर दो तुम। देखो, जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो मेरा नहीं है वो भी तुम्हारा है। वो कैसे? ये कानूनी बातें हैं। तुम इस पर साइन कर दो। लेकिन बाबूजी, नंदिनी और प्रिया के साइन की जरूरत भी तो होगी। मैं जाऊंगा नंदिनी के पास, उसे समझाना भी तो पड़ेगा। कामनी,
मैं जाऊंगा नंदिनी के पास, उसे समझाना भी तो पड़ेगा। समझाना क्या है बाबूजी, कर देगी वो साइन। मुझे नहीं लगता कि आपकी बात का विरोध करेगी। मैं जानता हूं बेटा कि वो मेरी बात का कभी विरोध नहीं करेगी, लेकिन उसे समझाना भी तो पड़ेगा। उसे बताना पड़ेगा कि ये पेपर्स मैं उसके पास क्यों लाया हूं। पता नहीं उसकी आंखों का मैं कैसे सामना कर पाऊंगा। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे कठिन घड़ी होगी। यही डर तो मेरे सामने भी था बाबूजी। हाँ, तूने सच नहीं कहा और मैं झूठ बोल नहीं सकता। खैर, जाना तो पड़ेगा अपनी बेटी के घर उसका कर्ज चुकाने के लिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना बाबूजी? अरे मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। ये दिन दिखाने से पहले भगवान मुझसे पूछ तो लिया होता। जल्दी आओ, देखो बाबूजी को क्या हो गया।